5:25 खबरों के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। वाराणसी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है और अब यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताई है और 30 साल के बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा पाठ किया जाता था और एक बार फिर से तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते। इधर रांची में ईडी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से कथित जमीन घोटाले में पूछताछ कर रही है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी रखी गई है। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करने की तैयारी कर रखी है। सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी गई है। ये प्रतिबंधात्मक आदेश रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। और इसी बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। इस बात की पुष्टि रांची के SSP ने की है। इधर बुधवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी किया है। बता दें कि वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सेशन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस साल का बजट 2024 के लिए एक अंतरिम बजट होगा क्योंकि आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव है और नई सरकार के चुने जाने के बाद पूरे साल का जो बजट है वो पेश किया जाता है। और हर साल की तरह बजट 2024 से भी आम व्यक्ति, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाओं और उद्योग जगत को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिम बजट पेश करने से पहले नए संसद भवन में मीडिया से बातचीत उन्होंने की और आखिरी बजट पर कहा कि यह बजट नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पीएम ने कुछ सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को आदतन हृदंग करने की आदत है। ऐसे लोगों ने 10 साल में अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये सत्र ऐसे सांसदों के लिए एक अवसर है जिन्होंने साल भर हृदंग किया है। पीएम ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि वे अपनी नई सरकार में पूर्ण बजट पेश करेंगे। कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और अंत में पीएम ने राम राम के साथ अपने संबोधन का समापन किया। जिनको आदतन हृदंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आईटी ने दबिश दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत समेत उनके करीबियों के घर पर भी आईटी ने दबिश दी है। आईटी की टीम ने अमरजीत भगत के रायपुर और अंबिकापुर स्थित घर पर छापा मारा। रायपुर स्थित घर पर 3 बैग के साथ आईटी अफसरों की टीम पहुंची। बैंक खातों की जानकारी ली गई। सुबह 7 बजे रेड पड़ी और छापे के दौरान अमरजीत भगत की तबीयत ही बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम पूर्व मंत्री के घर पहुंची और इसके साथ ही बलरामपुर में अमरजीत भगत के पीए राजेश वर्मा के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। साथ ही रायगढ़ में अमरजीत भगत के ओएसडी रहे अतुल शेट्टे के घर पर भी छापा मारा गया है। अंबिकापुर में SI रूपेश नारंग के घर भी आईटी की टीम पहुंची है। इस दौरान हालांकि रूपेश नारंग घर पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी पप्पू बंसल के घर पर भी आईटी ने छापा मारा है। दुर्ग भिलाई में चौहान ग्रुप के घर
और ऑफिस में दबिश दी गई है। इसके अलावा बिल्डर अजय चौहान के रामनगर स्थित घर पर भी छापा मारा गया है। इधर मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में एमपी के लिए सौगातों के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी का धन्यवाद दिया, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्वती काले सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभिनंदन दिया है। कैबिनेट ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया और जबलपुर में करीब 10,000 करोड़ की सड़क की सौगात मिली है। कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं को सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 लाख रुपये देकर पुरस्कृत करेगी और ये पुरस्कार साल में वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा। रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, स्वीकृति दी है। स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी उन्हें नमन किया। कोबरा 201 बटालियन में ये श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल और बस्तर के आईजी पी सुंदर राज भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शहीद जवानों को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी करते नक्सली कैमरे में कैद हो गए हैं। सुकमा जिले के टेकलगुड़ा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा के 3 जवान शहीद हुए। इस जगह पर नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा रहती है। घटना के दौरान इस तरह नक्सली एकजुट हुए हैं, हमले की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। ड्रोन में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नक्सली जंगलों की आड़ लेकर पोजीशन ले रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। पुलिस की चौतरफा नज़र होने के बावजूद भी नक्सली इस इलाके में एक्टिव है और इसका एक और उदाहरण सुरंग की कुछ तस्वीरें सामने आने से उसकी पुष्टि हो जाती है। नक्सली छिप कर वहाँ पर रहते हैं और जवानों पर हमले की पूरी तैयारी वो वहाँ पर रहकर कर लेते हैं। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय कवर्धा प्रवास पर रहे। इस बीच मंगलवार रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक पंडरिया विधायक भावना बोरा के निवास रणवीरपुर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया। साथ ही विधायक निवास के सामने 1 घंटे के लिए दरबार लगाकर हनुमत कथा का वाचन किया। इस दौरान पंडित शास्त्री ने छत्तीसगढ़ सरकार से नवधा रामायण दिवस घोषित करने की मांग की। अभी अभी सत्ता नई नई आई है, धर्मांतरण रुकेगा, धैर्य रखो। ये जो ध्वज लग रहे हैं, ये जो बुलडोजरें चल रही, ये संकेत सीधा स्पष्ट ही है कि छत्तीसगढ़ में अब सनातन विरोधियों की छटरी और गठरी बांधी जाएगी। हम सबका सौभाग्य है कि कवर्धा आने के बाद जब हमने उनसे निवेदन किया कि रणवीरपुर आपका आगमन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा, तो बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार भी किया। भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं सरकार उनके। 1 फरवरी को प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 दिन में 7 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे। 5,151 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा का कर्ज सरकार देगी। स्वरोजगार के लिए युवाओं को कर्ज दिया जाएगा। हितग्राहियों से सीएम ने संवाद वो करेंगे। प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एमपी की मोहन कैबिनेट ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के बुलावे पर राजभवन पहुंचकर ब्रेकफास्ट किया। राज्यपाल के साथ आयोजित ब्रेकफास्ट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, महामहिम के बुलावे पर हम लोग यहां पर आए थे, अच्छे वातावरण में सौजन्य भेंट हुई है। भोपाल में एक रेप पीड़िता से स्कूल फीस वसूली का मामला सामने आया। मंदसौर में गैंगरेप पीड़िता की स्कूल फीस वसूली के मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप है और स्कूल फीस के लिए नोटिस दिया गया।
हमले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस विषय पर ट्वीट किया, लिखा है कि सरकार अपना दुष्कर्म पीड़िता से किया गया वादा निभाए। अनुरोध किया उन्होंने सीएम से, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया था, पीड़ित बच्ची और उसकी बहन से जो वादा उन्होंने किया था, दोनों का शिक्षा का व्यय उठाने का जो वादा था अब सरकार निभाए, ये ट्वीट किया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। कमजोर शोषित लोगों की भावनाओं का मजाक न बनाए सरकार, सीएम संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल वादा निभाएं, ये अपील नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की है। मंदसौर में एक दुष्कर्म की पीड़िता से स्कूल फीस वसूली गई और इसी विषय पर नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए वादा याद दिलाया पूर्ववर्ती और वर्तमान की सरकार का कि इनके शिक्षा और स्वास्थ्य का जो खर्च था उठाने का जो वादा किया था उसे अब पूरा करे सरकार। रायपुर में आपके पसंदीदा चैनल आईबीसी 24 ने हर साल की तरह इस साल भी भूइया के भगवान सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां पर छत्तीसगढ़ के उन्नत किसानों का सम्मान किया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों को सम्मानित किया, किसानों की उपलब्धियों पर चर्चा भी की गई। बलरामपुर से निताई मिस्त्री। देश में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला काम यहाँ के हमारे किसानों ने किया है, यहाँ के कृषि से जुड़े हुए उद्यमियों ने किया है, तो ये पहले से बहुत अधिक आज विकसित हुआ है। मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र में मुरैना और राजस्थान के रेत माफिया के बीच जमकर गोलीबारी हुई, इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान अनेक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टायर गोली मारकर फोड़ दिए गए। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने मुरैना के कुछ आरोपियों के घर छापेमार कार्रवाई की है, बड़ी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद किए हैं, तो वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ी है। मामले में पुलिस द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके नाम जब पुलिस को पता चले तो आज उनके यहाँ दबिश दी गई पूरे दलबल के साथ में, और उसमें पुलिस को अच्छी सफलता हाथ लगी। देखिए अभी जिन लोगों का नाम आया है वो राजस्थान के नहीं है, वो मध्य प्रदेश के ही हैं, और जिन वो हमारे पास सारे नाम स्पष्ट हो गए, नाम लेना उचित नहीं है, परंतु पुलिस के पास सारे लोगों के नाम आ गए हैं। अगर उसमें कोई राजस्थान या कहीं का कनेक्शन निकलता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। राजिम के ग्राम कुटेना में चल रही अवैध रेत खदान के खिलाफ खनिज विभाग अपने कार्रवाई करने पहुंची है, लेकिन रेत माफिया इस खदर बेखौफ हैं कि उन्होंने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर हमला तक कर दिया। खनिज विभाग की टीम जैसे जैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई, माफिया ने अधिकारियों की गाड़ी तक तोड़ दी, और इसके बाद पांडुका थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। एक चेयर माउंटिंग को ला रहे थे, उसी बीच जो अवैध रेत घाट संचालित करने वाले हैं उनके द्वारा हमारी टीम को रोका गया और गाड़ी जाने नहीं देंगे, मशीन जाने देंगे करके उससे मारपीट की। खनन जो घाट कुटेना में संचालित थी उसको कार्रवाई करने के लिए आए हुए थे, तो कार्रवाई करने के बाद जो है गाड़ियों को जब्ती का जो प्रोसेस होता है वो पूरा करके लोग वापस निकले थे। उसी दरमियान कुछ घाट संचालक और ग्रामीणों के द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट किए हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिए हैं। थाने में अभी सूचना मिली है, कल रात में भी मिली थी, आज FIR हो चुकी है। भोपाल के कोलार थाना पुलिस की कस्टडी में युवक की एक मौत का मामला सामने आया। दरअसल दो दिन पहले आशा कार्यकर्ताओं ने डायल 100 को सूचना दी, मृतक युवक शराब पी वो तब वहां पर शराब पीकर हंगामा मचा रहा था। दोनों पक्षों को पुलिस थाना लेकर आई थी, उसी समय युवक ने पुलिस की गाड़ी का गेट खोलकर छलांग लगा दी, वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी और जांच के बाद स्थितियां साफ होंगी। सर घर वालों को कुछ सूचना दी होगी परिवार वालों को, तो परिवार वाले हमीदिया पहुंचे तो हमीदिया से उसको LVS लेके गए, वहां उसको आज सुबह मृत घोषित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे तुरंत कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में इसकी मृत्यु हुई। घटनाक्रम में पूरी पारदर्शिता रहे उन चीज़ों को लेने के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक पूरी डॉक्टर की टीम के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसमें
पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पंचनामा और बाकी कार्रवाइयां होंगी, इसलिए पूरी घटना में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। इंदौर में जिम ट्रेनर पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। 15 साल की बच्ची को प्रोटीन पाउडर का हैवी डोज दिया गया। हैवी डाइट और एक्सरसाइज के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद बच्ची का भाई जिम ट्रेनर से मुलाकात करने गया था, जहां उसके साथ ट्रेनर ने मारपीट की। द्वारकापुरी पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां बच्चों के विवाद को लेकर दो गुटों में फायरिंग हो गई और फायरिंग में दो पक्षों से तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीण जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। बागचीनी थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बच्चों के विवाद को लेकर दो गुटों में फायरिंग हुई और अब मामला पुलिस के संज्ञान में। इंदौर में अवैध संबंध के शक में युवक ने हत्या कर दी। मर्डर का वीडियो तक सामने आ चुका है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। एमजी रोड थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। जबलपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। गोरखपुर और गौरीघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और सेक्स रैकेट गौरीघाट इलाके में आस्था अपार्टमेंट में चल रहा था। 4 महिला 5 पुरुष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जबलपुर में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आस्था अपार्टमेंट में 4 पुरुष 5 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। बिलासपुर में पान दुकान संचालक से मारपीट की खबर है। मारपीट का जो आरोप लगा है द्वारा आरक्षकों पर, उन्हें अब लाइन अटैच कर दिया गया है। विजेंद्र ठाकुर, दीपक श्रीवास ये आरक्षक के नाम है। बताया जा रहा है कि दुकान बंद कराने को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत के बाद एसपी ने अब कार्रवाई की है। तो वक्त एक इधर सिंगरौली में जादू टोने के शक में एक महिला से मारपीट की गई है। निजी स्कूल के संचालक पर मारपीट का आरोप लगा है। एसपी ऑफिस पीड़ित महिला पहुंची और इसकी शिकायत उसने की। सरई थाना की झारा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो सख्ती से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अंधविश्वास ने ग्रामीण की जान ले ली। दरअसल चंगाई सभा के प्रार्थना के चक्कर में उसकी जान चली गई। माल खरौदा के एक छोटे सी पथ में चंगाई सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में किडनी पेशेंट को लाया गया था और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भिलाई से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हो गया है। कोक ओवन के CSP 4 में यह हादसा हुआ है। हादसे में मजदूर मोहन साहू घायल हो गए हैं। गिजली का गार्ड खोलने के दौरान ये चोट लगी है। मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेड यूनियन के नेता प्रबंधन पर अब लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हो गया है। हादसे में मजदूर मोहन साहू घायल हो गया है। तो ग्रिजली का गार्ड खोलने के दौरान मजदूर को चोट आई है। बड़वानी में एक बेकाबू बाइक पुलिया के नीचे जा गिरी है। तो एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे। बेकाबू बाइक पुलिया के नीचे जा गिरी है। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। सेंधवा के पास बलवाड़ी गांव में हादसा हुआ है। दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो एक बाइक जो बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिरी, दो युवकों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। इधर इंदौर में पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया और गंभीर स्थिति में महिला अस्पताल में भर्ती है। चोइथराम मंडी की घटना ये बताई जा रही है। तो पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से गला रेतने की कोशिश की। महिला घायल है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। ये तस्वीरें देखिए। और बारी है यूपी अपडेट की।
3 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौज जाएंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। नगरी के बोर्डिंग ग्राउंड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसका निरीक्षण भी कर लिया गया। मुरादाबाद में मामूली विवाद में युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की घटना है। मृतक के चचेरे भाई पर गोली मारने का आरोप। बुलंदशहर में घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त घर के सदस्यों ने रंगे हाथों चोर को गिरफ्तार किया और बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट का मामला है। परिवार ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। हमीरपुर में एक बार फिर से सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। मासूम बच्चे की मौत पर परिजनों का जमकर हंगामा देखने को मिला। शव को CHC के गेट के सामने रखकर धरना शुरू किया गया। सेब खाते समय श्वास नली में फंसकर 9 माह के बच्चे की मृत्यु हो गई है और पर्याप्त संसाधन नहीं हो जाने का आरोप लगाया गया है अस्पताल पर। राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे क्षेत्र के खेतों में तेंदुआ दिखा है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिनदहाड़े जो तेंदुआ घुसने से जानवर का उसने शिकार भी कर लिया है और पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।